हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। इससे पहले मैंने वीडियो में क्या पढ़ाया, तो किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन पूरा कवर किया है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो प्रोटोजोआ जो होता है उसका हम लोग जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जनरल कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद मैं धीरे धीरे सिलेबस को कवर करती जाऊंगी, लेकिन कहीं आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं पहले वही टॉपिक को लेकर आऊँगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जनरल कैरेक्टर हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ का। तो पहला क्या है, स्मॉल जनरली माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब क्या है कि एक तो ये बहुत ही छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग ये इसको देख भी नहीं सकते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि पहला तो ये है कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सिंपलेस्ट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? सिंपलेस्ट है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोटोजोआ होता है वो यूनिसेलुलर होता है। इसमें जो होता है कि ऑर्गेनल ही जो होते हैं वो पूरा एक्टिविटी को संभालते हैं, तो इसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्या है कि बॉडी नेकेड और कवर्ड बाय द पेलिकल, बट इन सम फॉर्म बॉडी इज कवर्ड विद द शेल। तो इसमें क्या करा कि बॉडी जो पहला क्या है कि बॉडी जो होता है वो कवर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेकेड होता है। अगर कवर होता भी है तो पेलिकल से। पेलिकल क्या है? एक थिन स्किन है, बहुत ही पतला होता है, जो कि कवर करता है सेल मेम्ब्रेन को, और ये प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है। क्या होता है? प्रोटीन का बना हुआ रहता है, बहुत ही थिन रहता है। फिर क्या, या तो फिर ये सेल से कवर होते हैं। ए सेलुलर। फोर क्या है? ए सेलुलर मतलब क्या होता है? सिर्फ सिंगल सेल है। ठीक है, सॉलिट्री और कोलोनियल। सॉलिट्री और कोलोनियल भी हो सकते हैं। सॉलिट्री मतलब क्या? अकेला रहने वाला। ठीक है, कोलोनियल मतलब क्या? कॉलोनी में। मतलब क्या है कि जो प्रोटोजोअन जो होते हैं वो ग्रुप में भी रह सकते हैं, या फिर एक सिंगल लिविंग मतलब एक अपना मतलब खुद अकेले ही रहते हैं, या फिर ग्रुप में, दोनों हो सकता है। बॉडी शेप जो होता है वो इनका बहुत तरह का होता है, वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, इलांगेटेड भी हो सकते हैं, या फिर चपटा भी हो सकता है, जिसको फ्लैटन भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियाई में भी मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक न्यूक्लियस का मतलब क्या है? मोनोमॉर्फिक मतलब एक जैसा न्यूक्लियस, डायमॉर्फिक मतलब दो तरह का, मतलब अलग तरह का। ठीक है, मोनोमॉर्फिक डायमॉर्फिक मतलब क्या? एक ही तरह का न्यूक्लियस रहेगा तो मोनोमॉर्फिक, और अलग नाइन तरह है का क्या? रहेगा तो न्यूट्रिशन डायमॉर्फिक। जो होता है वो होलोजोइक भी हो सकता है। नाइन में हम लोग पढ़े होलोजोइक मतलब क्या है, जो लिक्विड फूड का जब इंटरनल प्रोसेसिंग होता है उसको होलोजोइक कहते हैं। होलोफाइटिक मतलब क्या? जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाए तो उसको होलोफाइटिक कहते हैं। सेप्रोजोइक, जब मान लीजिए कोई डेड ऑर्गेनिज्म होता है उससे जब प्रोटोजोन अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसको सेप्रोफाइटिक कहते हैं। या पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब क्या? दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग का जू हो गया, वो हम लोग पे डिपेंड है, हम लोग उनके होस्ट हैं, वो पैरासाइट हैं। हम मैंने यहाँ पे एट नंबर नहीं बोला, तो एट नंबर में क्या है कि लोकोमोटरी ऑर्गेन क्या क्या रहता है? सीडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया, या फिर कोई नहीं, मतलब सीलिया भी हो सकता है, फ्लैजिला भी हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे होता है? डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, एक्सक्रीशन भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करता है। यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ वैक्यूल है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म या प्रोटोजोन अपना जो इंटरनल लिक्विड कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। लाइफ साइकिल जो होता है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब उसमें क्या होता है, लाइफ साइकिल में इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज दोनों उनमें आते हैं उनका लाइफ साइकिल में, तो उन्हें हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। मतलब क्या कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज दोनों होता है। इंसिस्टमेंट हो जाता है, मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो खुद को एक कवरिंग में कवर कर लेते हैं। सिंगल सेल बॉडी और प्रोटोजोआ परफॉर्म ऑल, जैसा मैंने पहले भी बोला कि एक सिंगल सेल जो होता है वो हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो कि बहुत ही वाइटल है प्रोटोजोअन के लिविंग के लिए। द प्रोटोजोअन एग्जिबिट मेनली
टू मोड ऑफ लाइफ, इसमें दो मोड ऑफ लाइफ होते हैं, या तो ये फ्री लिविंग रहेंगे या फिर पैरासाइट। फ्री लिविंग क्या मतलब, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है। ये पैरासाइट क्या हो गया कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इससे हम लोग को याद भी हो जाए। तो अगला लेक्चर में शायद मैं पैरामीशन स्टार्ट करूँ, देखती हूँ क्या है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूँगी। ये एक जनरल कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रोटोजोआ का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स।